फ्रेंड मैं इस वीडियो में बताऊंगा डिक्स रोटर गर्म क्यों होता है, हीट होने का कारण बताऊंगा। और जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे। देख सकते हो फ्रेंड अभी इसका रोटर फ्री घूम रहा है, इसलिए फ्री घूम रहा है क्योंकि मैं इसका ब्रेक पैड बाहर निकाल दिया हूँ। ये इसका ब्रेक पैड, इसको निकाला हूँ मैं इसलिए ये फ्री घूम रहा है। अगर इसको मैं फिर से लगा दूँ तो फिर से ये जाम हो जाएगा और ये रोटर नहीं घूमेगा। इसका रीज़न फ्रेंड मैं बताऊँगा आपको, मैं दूसरे तरफ का राइट साइड का दिखलाऊँ। देख सकते हो फ्रेंड ये घूम नहीं रहा, बहुत जाम है। देख सकते हो फ्रेंड ये रोटर अभी घूम नहीं रहा, मैं इसका ब्रेक पैड को बाहर निकालूंगा। इसका ब्रेक पैड रोटर में चिपक रहा है इसलिए ये घूम नहीं पा रहा है। और इसको निकालने के लिए मैं 12 नंबर का बोल्ट खोलूँगा कैलिबर का। देख सकते हो फ्रेंड रोटर धीरे धीरे घूमना स्टार्ट हो गया है और ये और भी स्पीड होते जा रहा है धीरे धीरे। इसका ब्रेक पैड रोटर में चिपक रहा है इसलिए ये घूम नहीं पा रहा अच्छे से। जब हम लोग पैडल प्रेस करते हैं तो साथ में पिस्टन प्रेस होता है। ये फ्रेंड हाइड्रोलिक ब्रेक है, इसमें प्रेशर जनरेट करने के लिए ऑयल लगता है और एक प्रेशर ब्रेक होता है एयर वाला। ये फ्रेंड फ्री घूम रहा है इसका रोटर, इसका मैं ब्रेक पैड बाहर निकाल दिया हूँ इसलिए ये फ्री घूम रहा है। अभी गाड़ी एक नंबर में है और गाड़ी में कोई बैठा भी नहीं है, एक नंबर लगा के क्लच छोड़ दिया हूँ मैं, देख सकते हो एक नंबर पे है। गाड़ी स्टार्ट है, रोटर घूम रहा है। ये फ्रेंड i20 है पेट्रोल इंजन, देख सकते हो फ्रेंड अभी इसका हब फ्री घूम रहा है। मैं इसके बूस्टर को एडजस्ट करूँगा और बूस्टर को एडजस्ट करने के लिए मास्टर सिलेंडर को निकालना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ अभी कैसे एडजस्ट होगा, देख सकते हो कितना फ्री है अभी इसका डिक्स, इसी तरीके से फ्री घूमना चाहिए। फ्रेंड जब हम लोग पैडल को प्रेस करते हैं तो एयर पिस्टन को प्रेस करता है और फिर हम लोग जब पैडल छोड़ देते हैं तो पिस्टन वापस चले जाता है, बट ये पिस्टन रिटर्न वापस नहीं जा पा रहे। ये फ्रेंड इसका बूस्टर है, मैं इसका मास्टर सिलेंडर को बाहर निकाला हूँ और बूस्टर को एडजस्ट कर रहा हूँ। एयर क्लियर ना होने के कारण पिस्टन वापस नहीं आ पाता है और वापस नहीं आता है, ब्रेक पैड को प्रेस करके रखे रहता है और ब्रेक पैड को प्रेस करके रखता है तो रोटर से चिपके रहता है ब्रेक पैड और रोटर घूमते रहता है इसलिए वो हीट होता है, दोनों चिपक के चलता है इसलिए हीट होने लगता है उसका रोटर उसका डिक्स। मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ अभी। कैलिबर पिन फ्री नहीं होने के कारण भी पिस्टन अच्छे से वर्क नहीं करता है तो भी चिपक के चलता है ब्रेक पैड तो भी हीट होता है, बट इसमें कैलिबर पिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री है इसलिए मैं इसका सिलेंडर को निकाल के इसके बूस्टर को एडजस्ट कर रहा हूँ। इसका हाइड्रोलिक रॉड है ये जो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको टाइट करूँगा थोड़ा। फ्रेंड इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले ब्रेक पैडल को प्रेस करके रखेंगे ताकि ये रॉड जो है बाहर निकल सके बूस्टर से, क्योंकि स्पेस नहीं बनता है अगर ये रॉड अंदर रहेगा तो टाइट करने का। और इसको लॉक करके रखना पड़ता है जैसे मैं अभी लॉक किया हूँ।
ये फ्रेंड मैं एडजस्ट कर दिया हूँ, देख सकते हो इसको। मैं इसको कंप्लीट करूँगा, इसका सिलेंडर लगाऊंगा, मास्टर सिलेंडर। इसको मैं बाहर निकाला था, फ्रेंड इसके पहले मैं वीडियो अपलोड किया हूँ ब्रेक पैडल हार्ड होने का कारण, तो उसका मैं बूस्टर को चेंज किया हूँ क्योंकि उसका ब्रेक पैडल हार्ड हो रहा था। इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड मार रहा हूँ, देख सकते हो चैनल पे जाके। मैं इसके पूरे पाइप को टाइट करूँगा, इसके नोजल को फुल टाइट करूँगा इसके नोजल को, और इसमें ऑयल डालूँगा, इसका एयर निकालूँगा और फिर इसको मैं टेस्ट ड्राइव लूँगा। देख सकते हो फ्रेंड कैलिबर किस तरीके से मूव करता है। हम लोग जब ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं तो ये हल्का सा मूव होता है, और जब हम लोग छोड़ देते हैं तो फिर वो वापस चले जाता है। छोड़ो, ये फ्री घूम रहा है अब। क्लच दबाओ, मैं एक बार ब्रेक मार के कंटिन्यू चेक करूँगा। क्लच दबाए, छोड़ो, दबाओ, क्लच दबा के ना गाड़ी को बंद कर दो। मैं इसका एयर निकालूंगा इसके निप्पल से। जोर जोर से दबाओ, देख सकते हो फ्रेंड ये प्रेशर से निकल रहा है ऑयल। इसमें अब एयर नहीं है, इसका एयर निकल चुका है। ये फ्रेंड कैलिबर का जो पिन है ये फ्री नहीं होने से भी ब्रेक पैड चिपक के चलता है डिक्स से, बट इसमें कैलिबर के पिन का प्रॉब्लम नहीं था और नहीं है। मैं इसका बूस्टर को एडजस्ट किया हूँ, उसके रॉड को। मैं इसका टेस्ट ड्राइव लूँगा। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूंगा और ग्रीस लगाऊंगा ताकि ये और भी फ्री हो सके और अच्छे से मूवमेंट करे ये इसका कैलिबर। और फ्रेंड जितने मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे। इसमें ऑयल और ग्रीस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसका कैलिबर का पिन और भी फ्री हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसका टेस्ट ड्राइव लूँगा। फ्रेंड मैं इसको टेस्ट में लेके आया हूँ और ये हीट नहीं हुआ, नॉर्मल है अभी। इसको 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर मैं चला चुका हूँ अभी तक, ये 4 से 5 किलोमीटर में हीट हो जा रहा था इसका डिक्स, बट ये अभी 10 से 12 किलोमीटर में चलाया हूँ, हीट नहीं हुआ। इसको थोड़ा दूर और चलाऊँगा बट इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हीट नहीं होगा। इसके बूस्टर को मैं एडजस्ट किया हूँ। और फ्रेंड बस इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे थे, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए बाय, बहुत जल्दी।